से हमें ऐसा शक्ति मिले, हमें ऐसा शक्तिपात किया जाए हमारे ऊपर, जिससे कि हम आक्रांत हुई भूमि के लिए और द्वारपुणा द्वापर की कर्मभूमि के ऊपर परिवर्तित कर दें। तीन युद्ध हुए पानीपत के भूमि को आक्रमित करने के लिए, तो तीन कैंप का होना आवश्यक है, मैं अनुभव करता हूँ। तो तीन शिविर में से एक कैंप लास्ट ईयर हो चुका था, एक कैंप ये हुआ है, तो एक कैंप गुजरे हैं अभी तक, मौखिक स्वीकृति प्रदान नहीं कर पाए हैं, लेकिन संकेतिक स्वीकृति प्रदान कर दी कि तीन पानीपत वाली पानीपत के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, कि पानीपत की जो रणभूमि आक्रांत हुई थी मुगलों के आक्रमण से, उस भूमि को पवित्र बनाने के लिए और पुनः उसमें कर्मभूमि में परिवर्तित करने के लिए तीसरा शिविर भी आवश्यक है, और तीसरा शिविर लगेगा, तो उसके बाद वो कर्मभूमि जो कि मुगलों ने आक्रांत की थी वो पवित्रतम बन जाएगी और इस पानीपत के क्षेत्र से ही आध्यात्मिक उन्नति प्रारंभ होगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा गुरुदेव का, इतना अवश्य कहना चाहूंगा, मैंने कल शाम भी ये संकेत दिया था कि आज के युग में गुरु तो अनेक हैं, योग भी हैं, सक्षम भी हैं, चैतन्य भी हैं, लेकिन उनमें जो विद्या है, जो उन्होंने अर्पण की है, तपस्या की है, वो उनके जीवन तक ही सीमित है, अपनी विद्या को गुप्त रखे अपने दूसरे को देना नहीं चाहते और उनके साथ ही वो विद्या समाप्त हो जाती है। लेकिन आज चैतन्यता की पराकाष्ठा पर कोई शक्ति है, योग्यता की पराकाष्ठा पर है, सक्षमता की पराकाष्ठा पर है, ऐसी शक्ति आपके सामने विद्यमान है जो अनेक शताब्दियों के बाद अवतरित होती है। हमें सौभाग्य मिला है कि ऐसी शक्ति को अपने सामने पाकर हम अपने धर्मों को सुधार सके और अपने जीवन को आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा सके। माननीय सारे गुरु भाइयों को यद्यपि आए हैं यहाँ पर पूरा मौसम मनाने के लिए, लेकिन मेरा ये धर्म हो जाता है कि मैं उनका अभिनंदन करूं, तो जहाँ गुरुदेव का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ, मैं आप सब भाइयों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने दूर दूर से आकर यहाँ कष्ट उठाए हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्था ना होते हुए भी आपने प्रसन्नता व्यक्त की है, इसलिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत अभिनंदन है और अगर कोई कष्ट हुई है उसके लिए क्षमा भी मांगूंगा। मेरे पास अनेक पत्र प्राप्त हुए कि गुरु पूर्णिमा के महोत्सव के अवसर पर हम 22 तारीख को आ रहे हैं, 21 तारीख को आ रहे हैं, अधिकांश शिष्य लोगों का ये संकल्प मुझे मैसेज मिला है कि वो 22 तारीख को आएंगे, लेकिन वो केवल गुरु पूर्णिमा के अवसर गुरु के चरणों का दर्शन ही करेंगे, आशीर्वाद ही प्राप्त करेंगे। आज से आप लोग आए हैं, निश्चय ही आपने अच्छे कर्म किए हैं, आज से आपको गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा, चरणों का सानिध्य प्राप्त होगा और आप जो गुरुदेव साधना करवाएंगे उन साधनाओं के माध्यम से आपके जीवन का आध्यात्मिक विकास प्रारंभ होगा, ये निश्चय ही ऐसा अवश्य होगा हो गए। मुझे अधिकार नहीं है गुरुदेव पे ज्यादा समय लेने का, गुरुदेव इस नगर में आए हैं, जब ऐसी महान शक्ति इस नगर में आए तो निश्चय ही इस नगर के प्रतिनिधि के रूप में, जो इस नगर के प्रतिनिधि हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री हैं श्री बलबीर पाल जी शाह, वो यहाँ उपस्थित हैं, इस नगर से MLA हैं, मंत्री तो अनेक हैं और भी मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, मैं उनको जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैंने शाह जी को आमंत्रित किया इसलिए नहीं कि वो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, एक तो इसलिए कि वो पानीपत नगर के प्रतिनिधि हैं और दूसरा इसलिए कि वो योग्यता रखते हैं, सक्षमता रखते हैं और उन्हें रुचि है इस मंत्र तंत्र और यंत्र के बारे में। वो जितने लिटरेरी मंत्री हैं, इतना लिटरेरी व्यक्ति साधारणतः नहीं होता, इतनी लिटरेरी अपनी रुचि को बनाए रखते हुए भी वो हरियाणा सरकार के जिस विभाग संभाले हुए हैं वो विभाग तो सबसे प्रशंसनीय है, कि उस पर ज़्यादा समय लेने की मुझे आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूँगा आदरणीय मंत्री शाह जी से कि वो दिव्य शक्ति जो इस नगर में उपस्थित हैं उनका माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें और आशीर्वाद दें ये नगर आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के क्षेत्र में चले और प्रत्येक क्षेत्र सुख शांति और समृद्धि इस नगर के सामने खड़े। आदरणीय शाह जी, अब मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं शाहजी से अनुरूंगा कि वो इस अवसर पर गुरुदेव के स्वागत में
दो शब्द नगर की ओर से अवश्य है। परम श्रद्धेय राधा सुंदरनी, गुरुदेव जी महाराज, पूजनीय माता जी, वंदनीय छोटे गुरु जी, आदर और मान के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, धर्म प्रेमी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, ये मेरा परम कर्तव्य हो जाता है कि जब भारत की एक महान विभूति जो ज्योतिष में, तंत्र में, मंत्र शास्त्र में, मैं तो ये कहूँगा कि भारत की अनुपम विभूति हैं वो, उनका संघर्ष तो बहुत पहले प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन पुस्तकों के द्वारा उनके नाम को बहुत पहले से जाना जाता रहा है। और सक्सेना जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने पिछले साल भी मुझे सौभाग्य इस बात का प्राप्त हुआ कि मैं गुरु जी की सेवा में उपस्थित होकर उनकी चरण रज प्राप्त कर सकूं। इस बार सक्सेना जी ने ही प्रेरित किया तो मैं समझता हूं कि मुझे जहां गुरुदेव का आप सबका स्वागत करना है, वहां सक्सेना जी का आभार भी प्रकट करना है कि उन्होंने इस दिव्य विभूति के दर्शन कर, मैं उनका यहां पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गुरु की अपनी योग्यता होती है, जो छठी क्लास को पढ़ाने वाला गुरु है वो छठी तक पढ़ा सकता है, दसवीं वाला दल तक, पीएचडी वाला पीएचडी करवाएगा, जितना जिसका अपना अनुभव होगा शिष्य को वो उतने ही गहरे और उसी अनुभव में ले जाने की क्षमता उस गुरु में हो। तो गुरुदेव में अपार क्षमता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश का मार्ग अध्यात्म का मार्ग, हमेशा अध्यात्म का मार्ग रहा है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पर हमने हमेशा अमल किया है, यहाँ तक कि हमने वाणी से भी हिंसा का निषेध किया है, हमारे शास्त्र ये कहते हैं, और जिसका नतीजा ये निकला इसी पानीपत में तीन बार इस देश का भाग्य परिवर्तन हुआ, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा वैसा हुआ। और सक्सेना जी ने अभी कहा कि तीन बार तो गुरुदेव जी को अवश्य पधारना चाहिए, तीन बार तीन लड़ाइयों के लिए है, लेकिन चौथी बार आगाज एक नई लड़ाई का आगाज करने के लिए मैं करूँगा, तो वो तीन तो बराबर हो गए, लेकिन चौथी बार यहाँ से इस भूमि से, पवित्र भूमि से धर्म का आगाज भी होना चाहिए। और मैं जो सहयोग बन पाएगा राजनीतिक के तौर पर वो करूँगा। वैसे लोग कहा करते हैं कि राजनीति और धर्म का कोई मेल नहीं है, लेकिन बेमेल भी नहीं। हाँ, एक पहिए दो हैं, उनके बीच में धुरी एक है, समानता अगर होगी दोनों में तो रथ चलेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि धर्म ऊंचा है या राजनीति नीची है, वो शायद हमारे भारतीय इतिहास को नहीं जानते, शायद उन्होंने महाराजा जनक के बारे में नहीं पढ़ा या राम और कृष्ण के बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं करी। ये सभी राजनीतिक व्यक्ति थे और हमारा जो धर्म था वो एक किस्म का अंकुश था राजनीति, और राजनीति जो धर्म रहित हो जाती है वो राजनीति में कूटनीति में परिवर्तित हो जाती है, और जब कूटनीति आ जाती है तो वहाँ पर अपने पराये का अंतर समाप्त हो जाता है, वो भावना वेदों की समाप्त हो जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि वासुदेव को धर्म कम, फिर इंसान इंसान नहीं रहता, और उसके आचरण में जब फर्क आता है, उसके
उसकी सोच में जब फर्क आता है तो कहा करते हैं यथा राजा तथा प्रजा, तो प्रजा की सोच भी बदल जाती है। आज का युग ऐसे ही द्वंद में से गुजर रहा है। और मेरी तो गुरुदेव से एक प्रार्थना है कि इन दोनों पहियों को एक धुरी पर सन कर दीजिए तो इस देश का रथ बहुत आगे दौड़ेगा और भारत जो हमेशा से जगत गुरु कहलाया है जगत गुरु कहलाएगा। संपदा की वजह से नहीं, अगर हमारे पास संपत्ति बहुत हो तो हम जगत गुरु कहलाएंगे ऐसी बात नहीं है। हमारे पास जो आध्यात्मिक संपदा है उसके आधार पर ही हम जगत गुरु कहलाए हैं, आगे भी कहलाएंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और पानीपत की धरती पर भी विश्वास है कि इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन सक्सेना साहब ने तो देखा है कि अपने आप से ही हो रहा है होता रहेगा। तो जो भी बाहर से साथी आए हुए हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि नववर्ष की वेला में गुरु पूर्णिमा पर जब वो दोबारा आएंगे जैसा कि संकेत हुआ है, और चौथी बार के लिए मैंने अनुरोध किया है, तो इस पानीपत में आप बहुत सा परिवर्तन पाएंगे। गुरुदेव का इस पावन धरती पर पुनः आगमन पर उनका आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि अपने आशीर्वचन से हम सबको भौतिक लौकिक आध्यात्मिक और मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाले जो है मार्ग और लक्ष्य जो है हमारे धर्म का उसके बारे में बताएंगे कि कैसे हमने अपने जीवन में इसको जीना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका जो है देश के विभिन्न भागों से साधक आए हुए हैं पानीपत की धरती पर स्वागत करता हूँ, गुरुदेव का अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद पानीपत की धरती पर विशेष रहेगा। जय भारत।